हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं बहुत ज्यादा सही हूँ। और आज का ब्लॉग इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, जैसा आप लोगों को पता है हम लोग पिछले ब्लॉग में आए दिल्ली, तो दिल्ली का आज से ब्लॉग सीन होने वाला है। और भैया अभी अपन ना अजय भैया, जैसा आप लोगों को पता होगा, अपन को एक मिले हैं जो अपन को टैक्सी के साथ कुछ कुछ प्लेसेस भी घुमाने वाले हैं। तो अगर गाइस आप लोग चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हैं अमन कुमार ब्लॉग्स। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे अभी। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, शायद से कुछ म्यूजियम है वहाँ जाने वाले अपन लोग। और ये है क्या, एम्बेसी है। अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ ना लिटरली में, तो एकदम मतलब कुछ भी निकला जा रहा है। तो सबसे पहले अपन रेस्टोरेंट चलते हैं, कहीं चलते हैं जहाँ पर भैया लेके जाएंगे, जहाँ पर घर वालों को प्लान होगा वहाँ पर जाते हैं, फिर निकलते हैं। और दिल्ली का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस स्वीट स्वीट है, अभी उतना ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि अभी उतना ज़्यादा अपन देखे नहीं है। कस के करना पड़ेगा दी। याशी ने नहीं पता एक दुकान देख लिया टॉयस का, तो यहाँ पर जो जोश में इसको के देख रही। कहाँ जा रही है, वहां नहीं जाना अंदर, तुमने अपना तो खाना खाया नहीं, चल बंद दुकान, ठीक है। और यहाँ पे खिलौना चाहिए, खिलौना नहीं मिलता, वो खिलौना बंद है। तो अभी अपन लोग ना लंच कर लिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ पता, क्योंकि इतना भूख में था ना। और अभी अपन लोग नहा के कपड़ा भी चेंज कर लिया जो मैंने नया जूडियो से लिया था, और ये जीन्स मेरा नॉर्मल वो पापा का जूता, भाई का जीन्स है, भाई का जीन्स है, सब अपने ना भाई का पहन के आया। और दीदी भी अपना बहन के पहन के आई है, आयशा दी का नहीं है, उनका नहीं है क्या ये ट्राउजर। तो अब अभी अजय भी अपन को नहीं पता कहाँ लेकर जाएंगे, जहाँ भी लेकर जाएंगे तगड़े जगह लेकर जाएंगे। तो बैठते हैं अब अपन रास्ते में और घूमते हैं, घूमते मौसा। तो ये वाला जो है भैया बता रहे एम्स है दिल्ली का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना ये, यस दिल्ली एम्स। राइट वाला क्या है भैया, ये सफदरगंज हॉस्पिटल है, ये भी बड़ा है। सर्च नो नाइट कैन सीम टू फोकस दिस डोर। तो अभी हम लोग आए हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार वहाँ पे छुपा हुआ है भाई। दिल्ली का जो ड्राइविंग है ना भाई, क्या बताऊँ, इतना तगड़ा मजा आ रहा है ना। अभी अपन का ना बस यहीं पर एक्सीडेंट होते होते बचा, यही कार वाले लोग के साथ, तो वो है कुतुब मीनार। अभी वहाँ जाएंगे अपन। अगर कहीं आप लोग आए हो कुतुब मीनार और आप लोग का एक्सपीरियंस है, शेयर करना कमेंट में और बताना। मेरा तगड़ा चल रहा है अभी तो भाई, वो देख भाई ऐसा बजाते हैं यहाँ पे लोग गाड़ी, आप लोग को पता नहीं चलेगा कौन है, आपको ठोक के निकल जाए, ठोकेगा तो कोई नहीं भाई, इतना एक्सपीरियंस वाले ड्राइव कर। क्यों मौसा, इनका ड्राइविंग कैसा है? अरे बाप रे, खतरनाक। असली ड्राइवर दिल्ली में मिलने वाले, असली ड्राइवर आपको दिल्ली में मिलेंगे भाई। सब के सब यहाँ पे इतना ताबड़तोड़ कार चलाते हैं, और टैक्सी वाले लोग तो भूल ही जाओ। अब हॉर्न तो भाई भैया इतना दे रहे थे, इतना मार रहे थे हॉर्न। अभी हम लोग ने टिकट ले चुके हैं, ये है 35 रुपए पड़ा क्योंकि अपन डेबिट से और कार्ड से पे किए। अभी अपने को जाने अंदर, और आई गेस ना इससे भी घुमाते हैं, पता है बस उससे भी घुमाते हैं, अब देखना पड़ेगा। मैं 3 कार्ड लेके रखा हूँ, मतलब ये जो भी है एंट्री वाला टिकट, भाई यहाँ के टैक्सी वालों से तो फड़ गई है मेरी। तो ये है कुतुब मीनार का एंट्री, अब अंदर जाते हैं भाई, देखते हैं, मैं तो पहली बार आ रहा। और ये देखो भाई प्लेन इतने नीचे से जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट ना वहीं पर है। इंडियन टूरिस्ट नहीं, अपन इंडियन जेंट्स में जाने गए अपने को। हैली तेरा नहीं, हैली तेरा नहीं है, ये लीजिए। और कौन है ये दो, ये मौसी और मैं, और टोकन पकड़। अच्छा ये ऐसे निकलने का है, आशी आना, आओ आओ आओ, निकलेगा वो। तो ये मेन एंट्री गेट जहाँ से आप लोग एंट्री करोगे। हाँ हाँ दिखाओ मौसा मेरे को, दो दो मैं सबका कलेक्ट कर रहा हूँ। पिंगी दी दे दो मेरे को, ही मैं जेब में रखता हूँ। अरे यार वहाँ लेडीज़ का जाओ वहाँ पर, ये बढ़िया सही है पता है। यहाँ पर अंकल बैठ गए चेयर में, इनको भी आराम, और अंकल अगर समझे चक्कर में बैठे बैठे अशी वहाँ चल। Coming up to me
कुतुब मीनार वो रहा। तो भाई यहाँ पे ना प्लेन जा रहे हैं, देखो आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ऊपर में। भाई खुद ही मतलब कि मैं खुद ही हाथ पकड़ के क्या ब्लॉगिंग करने लगा, क्योंकि क्या पता फोटो में किस्मत का से आता है अच्छे से नहीं आया तो। और भाई क्या तगड़ा मतलब आया होगा भाई, ऐसा तो नहीं है ब्लॉगिंग में, ब्लॉग में तो आया होगा। बस कुतुब मीनार जाएंगे अब अंदर अंदर घूमने के लिए। भाई कितना ज्यादा हैवी रूट होगा देखो, क्योंकि ना अभी एक और फिर आ गया तो मैं अच्छे से ही जा लूंगा। भाई भाई कुतुब मीनार मेरा तो सही है, पता है मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे वैसा हो रहा है। यहाँ पर बस फैमिली वाले सब फोटो शूट हो रहे हैं, यहाँ पर तो आधा ज्यादा ना फोटो शूट होता है यहीं पर, क्योंकि यहाँ से मेन है एकदम एंट्रेंस में। भाई देखो बॉटल के कंपैरिजन कितना छोटा है कुतुब मीनार। अभी मेरे को तिरछा ना दिख ही नहीं रही है, तो मेरे को सीधा ही लग रहा है, अब नहीं पता किस एंगल से कितने डिग्री में तिरछा है। तो ना मेरा फोन इतना ज्यादा ओवरहीट हो गया ना, तो कैमरा अपने आप बंद हो जा रहा है, तो फिर ना मेरे को देखना पड़ेगा बार बार कि चल रहा है कि नहीं कैमरा। और यह है कुतुब मीनार। भाई यहाँ पे जो फ्लाइट आती जाती है ना, तो मतलब हर 5 मिनट में आ रही है एक फ्लाइट, तो भाई बहुत तगड़ा है यार, बहुत बड़ा है। अंदर शायद ना यहाँ तो गार्डन में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी सब ना बंद करके रखे हैं, वहां पर पास में जाते हैं। इसके बाद जाएंगे अपन लोग लोटस टेम्पल, और फिर उसके बाद जाना है अपन को हिमाचल भवन, क्योंकि वहां से अपन की शिमला की ट्रेन, शिमला की ट्रेन भी नहीं भाई, हिमाचल भवन से अपन की बस है शिमला की। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये है कुतुब मीनार, और यहाँ पर ना ये सब क्या है दीदी, ये सब रूम कुछ है, ये रूम तो नहीं है, ये महल टाइप है, ये पूरा किले का महल। एंट्रेंस वो है ना एंट्रेंस, और ये मीनार वो बंद है, अंदर अंदर नहीं जा सकता मतलब। अच्छा अच्छा पीछे से जा सकते हैं। महल है, लेकिन महल टूटा कैसे युद्ध में, कि ऐसी तोड़ते गए सब लोग तो युद्ध में। यस यस ये महल भाई, ये वाला जो अपन बाहुबली पिक्चर में देखे थे, यहाँ पे पूरा पानी वानी रहता होगा उसके टाइम। ब्लैक पर्ल द ब्लैक पर्ल। ये बताओ कुतुब मीनार क्यों टूटा, कुतुब मीनार तोड़े नहीं होंगे भाई, इतना धूप है, इतना गर्मी हो रखा है, पूरा फेस जल रहा है। बस है ना वहाँ पर एंट्री है, बट वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है तो बंद है, और वहाँ से है, वहाँ से कुतुब मीनार के पास से आ रहे हैं। और ये ना दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जहाँ से हर 5 मिनट में फ्लाइट जाती रहती है, तो आप लोगों को किस्मत रहेगा ना तो आप यहाँ से आराम से फ्लाइट के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो बनाते हैं और नहाते, क्योंकि फोटो में तो नहीं आएगी मेरी। और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। ये तो एंट्री होगा भाई, क्या विशाल एंट्री होगा उस टाइम का, उस टाइम पे इसमें कुछ घीसा करते होंगे लोग, चटनी बनाया करते होंगे मस्त, कि राजा की रानियां खेलते रही होंगी। वहाँ पे क्या है वहाँ पे नहीं पता, वहाँ पे कॉम्ब है कुछ, टॉम्ब सॉरी कॉम्ब बोलता हूँ साला मैं भी, टॉम्ब है वहाँ पर। इतनी गर्मी है, मेरा फ़ोन अपने आप ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ओवर हीट हो जा रहा है मेरा फ़ोन। बस यहाँ पर देखने आओगे ना तो बस यही है, ये लंबा सा खड़ा हुआ है कुतुब मीनार, और कुछ नहीं है यहाँ पर, और ये चल रहा है। क्या लड़ाई हुआ होगा तो तोड़े होंगे भाई, देखो ना खुद ही, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है पत्थर, इतना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और वो देखो वहाँ ऊपर ऊपर का कैसे तोड़े होंगे। बस इतना ही होगा कि और ज़्यादा भी होगा, पूरा फैला होगा वहाँ वहाँ तक के होगा अंदर तक के, अपन तो अभी जा नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा है।
क्या है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा है ना वो। ये 1x zoom है और नहीं पता ये सच में क्या है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग इतनी ज्यादा गर्मी में आए ना, तो उतना ज्यादा घूमने का मन भी नहीं कर रहा है, और क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा अच्छे से व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि एकदम जो धूप है ना पूरे फेस में पड़ रहा है। तो अब देख रहे हैं मौसी लोग कहाँ हैं, मौसी लोग को ढूंढता हूँ, उसका देखते अपन कहीं जाना होगा ना तो अपन जाएंगे। आप लोग बताना, आप लोग कुतुब मीनार आए हो तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हो, और वो चीज़ क्या है भाई, वो चीज़ बता देना कि वो चीज़ क्या है। मैं बोला ना हर 5 मिनट में आता है भाई यहाँ पर प्लेन, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखो फिर से एक और जा रहा, ये लेकिन बहुत ऊपर है अभी थोड़ा। तो अभी अपन लोग निकल रहे थे बाहर और अपन देखे कि ये छोटा सा एक पिरामिड, बहुत छोटा सा। कैसा लग रहा है तेरे को? वो पानी गिरना चालू, पानी गिरना।